जिसका कोई मकसद है यूएसए न्यूयॉर्क सेटल होना, जिसका कोई मकसद है कनाडा सेटल होना, जिसका कोई मकसद है ऑस्ट्रेलिया सेटल होना। गाइस, इस बार ये व्लॉग्स पाकिस्तान गुजरावाला से हूँ। तो गाइस, आज का टॉपिक है कि कोई आपको चिली जाना चाहता है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद मुझे बहुत ज़रूरी लगा और एक आसान तरीका था। इस चिली के वीजे में आपको कोई भी पेमेंट एडवांस नहीं देनी, सारा काम डन बेस पे होगा और ये चिली साउथ अमेरिका में है। ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था कि यार, अगर किसी भाई के पास बजट है 3-5 लाख का, ठीक है, वो कहता है मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, अगर वो अमेरिका जाना चाहता, अगर उसकी सोच है कि यार मेरे पास चलो इतने पैसे होते तो मैं अमेरिका चला जाता, वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो इस वजह से ये वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा कि यार जो मेरे भाई हैं जो सब, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, क्योंकि कई भाई सोचते होंगे कि यार ये तो यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगाने आया है, अगर ये किसी वीजे की बात करता तो अगर हम इसको कहते हैं कि वीज़ा लगवा के दो तो इसके बीच में कमीशन होगी, यार ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दूंगा, आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा, कितनी देर का वीज़ा होता है, कितनी स्टेटमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सिर्फ 3-4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, और आपका चिली का वीज़ा लग जाएगा, आपको कोई पेमेंट एडवांस नहीं देनी। इस वीडियो में मैं यही बात करना चाहता हूँ कि ये एक बेस्ट वे है चिली का साउथ अमेरिका में। और चिली की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसमें पहली बात आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट जो 4 मंथ की होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जॉब प्रूफ चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। और जितने पैसे लगते हैं, कितने की टिकट है, कितने का वीज़ा है, वो मैं आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। आप देख रहे कहेंगे कि इसने एडिट किया, जो भी किया, इसलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो मेरे पास उसके मैसेजेस पड़े हुए हैं, तो ये आप लाइव उसको देख सकते हैं। ये थोड़ा सा फोकस कर ले, मैं वैसे पिक्स भी कर दूंगा, आप इसको रेट कर लें, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि एम्बेसी और चार्जर आफ्टर वीज़ा अप्रूवल सिर्फ 1.5 लाख रुपया, वीज़ा के चार्जेस, एजेंट की फ़ीस, फाइल की फ़ीस 1.5 लाख रुपया, ये आपको तब देने हैं जब आपका वीज़ा लग के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जो रिटर्न टिकट होगी, साउथ अमेरिका की रिटर्न टिकट काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसने कहा कि रिटर्न टिकट जो अराउंड होगी वो 2.5 लाख रुपया होगी रिटर्न आने जाने की, ठीक है। वीज़ा ड्यूरेशन 30 डेज का होगा, प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ का होगा। बैंक स्टेटमेंट आपको 4 मंथ की चाहिए और मैक्सिमम उसमें क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख होना चाहिए। मैं इसके आपको फ़ायदे बताता हूँ। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, एक साथ आप पार्टनर मिलाएं, आप दोनों चली जाएं, वहाँ पे 10 लाख रुपया लगा के लाइसेंस मिलता है कारोबार का, उससे आपको बिजनेस वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। चिली एक ऐसी कंट्री है जो 1-1.5 साल में आपको नेशनैलिटी प्रोवाइड कर देती है, जिसका कोई मकसद है यूएसए न्यूयॉर्क सेटल होना, जिसका कोई मकसद है कनाडा सेटल होना, जिसका कोई मकसद है ऑस्ट्रेलिया सेटल होना। जैसे एजेंट से मेरा फ्रेंड बात कर रहा है, पर्सनली बात बता देता हूँ, वो 22 लाख, 28 लाख, 26 लाख 1 साल के वीज़े का मांग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, इतने पैसे मांग रहे हैं। अगर 10 लाख लगा के आपका ये काम हो जाता तो मेरी तरफ से ये बेस्ट वे है चिली का, ठीक है। चिली में फ़ायदे ये हैं कि आपको नेशनैलिटी जल्दी मिल जाती है, 10 लाख लगा के आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई होटल खोल सकते हैं, कोई शॉप खोल सकते हैं, मोबाइलों का काम कर सकते हैं, गाड़ियों का काम, जितनी आपकी पहुँच है आप उतना काम वहाँ कर सकते हैं। एक पार्टनर बना लें, मतलब ना उसको दुखे ना आपको दुखे, दो बंदे होंगे ना जो फ्रेंड होते हैं, एक आपस में दोस्त होते हैं, एक उसके पास पैसे हैं 4-5 लाख उसके पास है, 4-5 लाख उसके पास है, ठीक है। 10 लाख आपको लगा के वहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा, बिजनेस वीज़ा आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको 2-3 साल में पासपोर्ट भी दिया जाएगा। चिली एक ऐसी कंट्री है जो बहुत जल्दी, प्रोसीजर इनका बहुत जल्द है और ये काफ़ी जल्दी नेशनैलिटी दे देते हैं। इससे चिली से आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं भी मूव हो सकते हैं। ये वीडियो मेरा दिल किया कि मैं बनाऊँ। मानता हूँ कि 2 वीक हो गए हैं मेरी वीडियोस नहीं आई, असल में मैं बीमार था, ठीक है, शक्ल भी देख सकते हैं। वैसे आपको मेरी शक्ल से कोई गर्ज नहीं है, आपको मेरे इन्फॉर्मेशन से गर्ज है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब मेरे काफ़ी भाइयों ने फरमाइशें की हुई हैं, कंपनी के बारे में फरमाइश की है, डन बेस के यूरोप के बारे में फरमाइश की हुई है, काफ़ी फरमाइशें आई हुई हैं, क्योंकि वीडियोज़ पर वीडियोज़ आप आती रहेंगी, वर्क मोड ऑन हो चुका है, और आपकी दुआओं से, मेरे सब भाइयों की दुआओं से इंशाल्लाह
जो जो भाई फरमाइश की या वो वीडियोस आप आती रहेंगी, ये चिली का बेस्ट वे है। अगर आप मेरी बात माने ना, ये चिली का बेस्ट वे है। जिसके पास बजट है और जो कहता है कि मैंने यूएसए कनाडा जाना है, वो चिली चला जाए। टोटल कितना खर्चा है? 4 लाख रुपये। 4 लाख में आप चिली चले जाएंगे। आप ये चीज़ अपने जेन में ना रखेंगे, वो फ्रॉड है। फ्रॉड तब होता है जब वो बंदा आपसे एडवांस मांगता है। ये बंदा मेरे से ना काफ़ी देर का जुड़ा हुआ है। इसका दुबई में भी एक ऑफिस है, मैं इसको पर्सनली जानता नहीं हूँ, मैं इसको से मिला नहीं हूँ, ठीक है। मेरी इससे कनाडा के बारे में बात हुई थी, इसने कहा था मैं डन बेस पे काम नहीं करता। मैंने इसको कहा था कि डन बेस का काम है तो मुझे बताओ। इसने कहा था मैं डन बेस पे काम नहीं करता। कोई पैसा आपको 1 रुपया भी नहीं देना। जो उसने डॉक्यूमेंटेशन बताई है वो देनी है, पासपोर्ट देना है बस। उसके बाद आपको वेट करना है 1 मंथ, आपका वीज़ा लग के आ जाता। उसको मैंने पूछा था कि वीज़ा लगने के चांसेस कितने हैं। उसने कहा वीज़ा लगने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका वीज़ा लगवा के दें, क्योंकि हमें पता है वीज़ा लगेगा ताकि हमारी हमें पेमेंट मिल जाए। मतलब वो पूरी कोशिश करते हैं कि वीज़ा लग जाए, ठीक है। चिली बेस्ट वे है यूएस से कनाडा जाने के लिए मेरे अंदाजे से। 10 लाख लगाएं, 5 लाख अपने दोस्त से लें, 5 लाख खुद डालें, पार्टनर बन जाएं कि हम पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपको नेशनैलिटी मिल जाए, आप कहीं भी जाके मूव हो सकते हैं। अगर आपके पास चिली की नेशनैलिटी है, आप यूएस से कनाडा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल है, फ्री वीज़ा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी फ्री है, इंग्लैंड का भी फ्री वीज़ा। वीज़ा ऑन अराइवल है, फ्री ट्रैवल कर सकते हैं आप। तो ये बेस्ट वे है यार। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाना। मिलते हैं अगले कमा फ्रेश चैप्टर में। आप देखेंगे जो ब्लॉग्स। मेरा नाम है मर्जवे।